आज हम बनाएंगे स्पेशल मसाला लेयर्ड नमक पारी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इनकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, तो त्यौहार पर आप इन्हें पहले ही बनाकर रख लें और मेहमानों के साथ में एंजॉय करें। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये हमने प्याले में 2 कप मैदा ले लिया है, अब इसमें मसाले डालते हैं। ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, कलौंजी अगर ना हो तो इसे आप छोड़ सकते हैं, और ये 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इसे क्रश करके डालिए, और ये 1 पिंच हींग, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। इसमें मोयन के लिए डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। इन नमक पारों के लिए आटा गूंथते समय थोड़ा सा घी कम डाला जाता है, क्योंकि बाद में हम लेयर बनाने के लिए घी का यूज़ करेंगे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिला लेते हैं, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर साक डो बनाएंगे। और इसमें हम घी का मोयन डाल रहे हैं। अगर नमक पारे में आप घी का मोयन डालेंगे, इन्हें आप भले ही ऑयल में तलें, लेकिन खाते समय ऐसा लगेगा जैसे कि ये घी के बने हुए हैं। मैं भी इन्हें ऑयल में ही तलूंगी। देखिए, डो लग के तैयार हो गया और अच्छा सख्त डो है। इसे लगाने में हमने 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम पानी का यूज़ किया है, और अब इसे 1/2 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए, ये सेट हो जाएगा। इसे रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है और ये सेट भी हो गया। अब हमें इसे मसलना होगा, एकदम स्मूथ बनाना होगा इसे। इसे 2 मिनट मसल लिया, और पहले आप देख रहे थे ये कैसा लग रहा है और अब कैसा लग रहा है। अब नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। ये डो हमने ले लिया और इसे गोल कर लिया, और थोड़ा सा दबा के इसे बढ़ा लिया, और इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसके हम 4 लोइयां बना लेते हैं। एक हम ले लेंगे, बाकी 3 ढककर रख देंगे, और इसको अब बस इस तरीके से ही चौकोर चौकोर जैसा किया और पतला बेलते हैं। देखिए, आटा सख्त है, बड़े आराम से बिल रहा है। इतना सख्त होना चाहिए कि इसे बेलने के लिए आपको सूखे आटे की ज़रूरत ना पड़े, इजीली बिना कुछ लगाए आटे को आप बेल पाएं। और इसको हम चौकोर शेप देते हुए बेल रहे हैं। ये हमने इसे इतना पतला बेल लिया है और शेप इसकी चौकोर रखी है। ये 2 टेबल स्पून प्याली में घी को मेल्ट करके ले लिया है, और ये 2 टेबल स्पून मैदा घी में मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, पेस्ट जैसा बन गया घी और मैदा का। इस मिक्स को साटा कहते हैं, और अब इस साटा को इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। एक पतली सी लेयर लगानी है इसकी, आप चाहे तो इस तरीके से अपने हाथ से कर लीजिए। बिल्कुल पतली लेयर लगानी है, ये मोटा बिल्कुल नहीं रखना। अब आप इसका कोना उठाइए और हाफ सीट तक मोड़ लीजिए, इस तरीके से कोने मिला दीजिए खींचकर। दूसरा कोना उठाइए, इसे भी इस वाले कोने से मिला दीजिए, और अब थोड़ा सा साटा फिर से लीजिए, बिल्कुल पतली सी लेयर इसके ऊपर भी लगा दीजिए। ये हो गया। अब इस वाले कोने को उठाइए और बीच में लाते हुए इसे फोल्ड कर दीजिए, और अब इस वाले कोने को उठाइए, दोनों कोने आपस में मिल जाने चाहिए। ये हमारी बन गई चौकोर शीट। अब इसे फिर से बेलते हैं। अब उतना ज़्यादा पतला नहीं करना है, उससे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। जितना पहले बेला था उससे आधे साइज में बेल लेंगे, बस इतनी बड़ी कर लीजिए। अब फिर से उसके ऊपर यही साटा लगाएंगे, ध्यान यही रहे कि इसको पतला ही लगाना है, और अब इसको 3 पार्ट में फोल्ड करेंगे, एक ये और दूसरा इसको बंद करते और दबा देते हैं, और अब इसे लंबाई में बेलेंगे, थोड़ा सा चौड़ाई में भी बढ़ा देते हैं, फिर से थोड़ा सा लंबाई में बढ़ा देंगे। बहुत पतला नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है,
जैसे हम नमक पारे बनाते हैं ना, थोड़े से मोटे वाले, उतना ही मोटा रख लेंगे इस शीट को। ये मैंने इसे बेल लिया। अब इनको पतले पतले काट लेंगे, जस्ट आधा पौना इंच की चौड़ाई में। ये साइड का हटा दिया और ये देखिए इस तरह की नमक पारे काट लिए। ये जब तलेंगे तो बहुत अच्छी लेयर खिलेंगी। तो बस इसी तरीके से काट काट के रख लेते हैं। अब आइए इन्हें तलने के प्रोसेस में। ऑयल को चेक कर लेते हैं। जरा सा हमने ये डो डाला और देखिए अच्छे इसमें बबल आ रहे हैं। हमें ये नमक पारे तलने के लिए ऑयल कम गरम चाहिए, मीडियम से भी कम गरम, और फ्लेम भी हम लो मीडियम रखेंगे। ये देखिए तैर के ऊपर भी आ गया। फ्लेम को कर देते हैं धीमा, क्योंकि शुरू में जब हम नमक पारे डालेंगे तो हमें फ्लेम एकदम धीमी चाहिए। तो फ्लेम धीमी है, ऑयल भी कम गरम है, तभी आप ये नमक पारे तलने के लिए डाल दीजिए। अब इन्हें ऐसे ही तलने दीजिए, एकदम से कलछी नहीं लगानी है। और अब आप देखिए कैसे एक एक करके उठ उठ के ऊपर आ रहा है, इनके लेयर्स खुलते जा रहे हैं। जब ये लेयर खुल जाते हैं तो ये अंदर तक अच्छी तरीके से क्रिस्प सिक जाते हैं। इन्हें सिकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और ये सभी नमक पारे तैर कर आ गए हैं। अब हम इन्हें पलटते हैं, तो थोड़ा सा अलटते पलटते हुए इन्हें अच्छे चारों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अगर हमें लगे बहुत देर लग रही है तलने में तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा भी लेंगे, लेकिन फ्लेम को मीडियम से थोड़ा कम ही रखेंगे। और ये देखिए हल्के गुलाबी दिखने लगे, बस आप इन्हें निकाल लीजिए, अभी ज़्यादा डार्क मत करिए। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे ज़रूर रोकिए ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और मैंने अभी गैस को एकदम धीमा कर दिया है। सारे नमक पारे इसी तरीके से बेल कर तल कर तैयार कर लीजिए। ये जो जॉइंट वाला कोना है ना, इसे थोड़ा सा दबाकर बेल दीजिए, क्योंकि यहाँ से ये अच्छे तरीके से चिपक जाता है तो पूरा नहीं खुलता। और अब इसे काट लीजिए। और जब आप तलने के लिए डाल रहे हैं तो फ्लेम बिल्कुल धीमी रखें और ध्यान रहे ऑयल का टेम्परेचर भी कम हो। और ये भी गुलाबी हो गए, जैसे ही गुलाबी हो फटाफट निकाल लीजिए, इन्हें डार्क मत कीजिए, क्योंकि इनकी जो लेयर्स हैं बहुत पतली पतली हैं। अगर ये डार्क हो गए तो उनका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। इन्हें हम थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा भी काट सकते हैं, जैसे कि बच्चों को हम एज ए बिस्किट पकड़ा सकें हाथ में। तो देखिए मैं इन्हें थोड़ा सा चौड़े चौड़े पीस काट रही हूँ। और तलना तो बिल्कुल उसी तरीके से है। और ये भी देखिए अच्छे गुलाबी दिखने लगे हैं। निकालते हैं इन्हें भी। एक बार के बैच को तलने में लगभग 7 से 8 मिनट तो लग जाते हैं। और ये बन गए हमारे बच्चों के लिए बिस्किट। हमारे स्पेशल मसाले वाले लेयर्ड नमक पारे बनकर तैयार हैं। एकदम खस्ता कुरकुरे बने हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये नमक पारे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जब आप डो बनाएं, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, थोड़ा सख्त डो बनाएं, और तलते समय ध्यान रखें ऑयल मीडियम से भी थोड़ा कम गर्म हो, फ्लेम भी लो मीडियम रखें, और बस इन्हें अच्छे खस्ता कुरकुरे होने तक तल लें। आप बहुत अच्छे नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। और इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, पूरे 2 महीने तक एंजॉय कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे, सभी को पसंद आएंगे। तो आप ये नमक पारे बनाइए और बताइए मुझे कैसे लगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल भी दबा दीजिए, ताकि मेरी जो रेसिपी आएंगी वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलें।